हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो आज मैं स्कूल की भी छुट्टी थी और मैं ट्यूशन पे भी हो आया हूँ। तो आज दशहरा है, तो देखते हैं क्या सीन होता है आज का। तो बाकी अभी तो मैं घर पे ही हूँ, घर पे कोई भी नहीं है, तो भूख भी लग रही थी। तो टाइम दिखाता हूँ आपको, ये देखो टाइम, टाइम कितना ज़्यादा हो गया है। तो यार भूख लग रही है, तो कुछ सुबह का कुछ भी नहीं खा रखा। तो शायद मैं सोच रहा हूँ पास्ता बनाने की, तो अभी पास्ता बनाऊँगा। तो और सब बढ़िया ना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी एक वीडियो भी अपलोड करी है मैंने, देसी इंडियन हैक वाली। तो अभी ये ब्लॉग, पता नहीं दिन टाइम लग जाता है भाई एडिट करने में, स्कूल का काम, ट्यूशन का काम, पढ़ाई वगैरह भी ज़रूरी है, तो इसलिए मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाता, क्योंकि पूरा दिन फिर ऐसे यार वेस्ट हो जाता है। वेस्ट तो क्या, बाकी टाइम भी नहीं मिलता यार ब्लॉग शूट करने का। तो आज मेरी छुट्टी भी थी और मेरी ट्यूशन भी आज सुबह सुबह ही कंप्लीट होगी। तो अभी 2 बजने वाले हैं, तो फिर अब मैंने सोचा कि चलो व्लॉग शूट करते हैं। तो आज दशहरा भी है, तो देखते हैं क्या पता जलाएं। यहाँ पे हमारे कॉलोनी में ITI में भी जलता है, तो यहाँ पर, तो वहाँ पर भी देख के आएंगे। तो पहले देखते हैं, अब हम पास्ता बनाएंगे, तो देखते हैं कि सामान पड़ा कि नहीं। बाकी पास्ते की मैंने जो अपने चैनल पे वीडियो डाल रखी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मैं कैसे पास्ता बनाता हूँ, तो बिल्कुल डिटेल में बता रखी है। 2 टाइप के हैं, एक सिंपल पास्ता और एक रेड सॉस पास्ता, और वो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो बाकी अब मैं देखता हूँ सामान पड़ा कि नहीं, सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगा सामान पड़ा कि नहीं। अगर नहीं पड़ा होगा तो फिर कुछ और सोचेंगे, नहीं तो फिर पास्ता ही बनाएंगे। तो देखते हैं सामान पड़ा है कि नहीं। तो गाइस, पास्ता तो पड़ा, लेकिन यार थोड़ा सा ही है। देखो ये बस एक ही प्लेट है, तो ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो घर वालों के लिए भी बनाना है और अपने लिए भी बनाना है। तो अभी आने वाले हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे सारे घर पे, तो फिर उनके लिए भी, वो भूख लग रही होगी उनको भी, तो उनके लिए भी बनाना है और अपने लिए भी, तो थोड़ा कम लग रहा है। तो देखते हैं, लेके आते हैं दुकान से। तो 2 मिनट बस, मैं लेके आया इतने। हाँ, मैं तेल, वो पानी रख देता हूँ गर्म होने के लिए, ठीक है गाइस। तो गाइस, पास्ते का जुगाड़ तो नहीं हो पाया, घर पे कोई भी नहीं है, पैसे भी नहीं दे के गए, तो मैंने मांगे ही नहीं, मैं भूल गया पैसे लेना। तो अब इसी को ही बनाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं है। देखो पानी उबल रहा है, तो अब डाल देते हैं इसी में ही, तो कोई नहीं, इसी से ही काम चला लेंगे। जब कोई घर पे आएगा तो फिर कुछ और रोटी रोटी बना लेंगे। बाकी कुकिंग थोड़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं कुकिंग करता रहता हूँ। तो मैं पहले बना लेता हूँ पूरा, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो भाई बस बनने वाला है मेरा पास्ता, तो देख सकते हैं पीछे ये रखा हुआ है कढ़ाई में। तो इसमें थोड़ा सा पानी में से ज़्यादा डल गया था गलती से, तो बस वही पानी अभी वो थोड़ा सूख रहा है, तो बस बनने वाला है। थोड़ी बहुत तो गलती होती रहती है, अभी थोड़ा बच्चे हों, बड़े होते होते सारा कुछ आ जाएगा अच्छी तरह। तो बस भाई शौक है, इसलिए मैं थोड़ा करता हूँ। बाकी अभी तक तो ये मैंने सोचा है कि मैं अभी शेफ बनूंगा, तो बाकी देखते हैं क्या जाता है आगे। पेरेंट्स की भी कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स ने भी हाँ भर रखी है मेरे, तो बाकी देखते हैं क्या होता है। मूड चेंज होते हैं भाई, पता नहीं लगता, तो अभी तो यही सोच रखा है, तो देखते हैं। तो भूख लग रही है यार, इतना टाइम लगा रहा है ये भी ना, तो बनने वाला है, मिलते हैं आपसे 2 मिनट में। तो गाइस देख सकते हैं पास्ता तैयार है मेरा, थोड़ा दूर होकर दिखाता हूँ, ये देखो। तो बस सब कर देते हैं गैस बंद, पानी भी सूख गया अच्छी तरह, तो बस सब प्लेट में डालते हैं, फिर आपको भी खिलाते हैं। तो आपको भी खिलाऊंगा और मैं भी खाऊंगा फिर, तो मैं प्लेट में डालता हूँ फटाफट। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा मेरा पास्ता और ये रहा मैं और ये रहे आप। तो लो गाइस खा लो, और इसके साथ में मेरे को ये जो ये आती है ना मेयोनीज टाइप आती है, एक नई आई है वेजिटेबल वाली, ये इसके साथ अच्छी लगती है। बाकी सैंडविच वगैरह में अच्छी नहीं लगती, मैंने मांगी तो मेयोनीज थी, लेकिन उन्होंने कोई और ही दे दी थी क्रीम सी वेजिटेबल वाली, तो इसलिए फिर मैं इसमें डालता हूँ, तो बहुत अच्छी लगती है। तो खा लो गाइस, और अब मैं भी इसको इंजॉय करता हूँ, और देखते हैं सौरभ भाई की वीडियो, उनसे इंस्पिरेशन मिली है मुझे भी, और थोड़ी बहुत मेरे जो पड़ोसी भैया हैं एक, उन्होंने भी इंस्पिरेशन दी थी मुझे, तो उनसे उन वही इंस्पिरेशन है मेरी। तो बाकी देखते हैं, आप सपोर्ट करोगे तो ज़रूर मैं सौरभ भाई से भी मिल पाऊँगा, तो सपोर्ट ज़रूर करें। तो बस मैंने पास्ता खा लिया पेट भर के, थोड़ा सा पड़ा है, तो खा लेगा कोई भी, जो अगर कोई आएगा या फिर मेरे को भूख लगी तो मैं खा जाऊंगा।
बाकी यार मुझे एक चीज अच्छी लग गई, जब मैं खाना बनाता हूँ ना, ये देखो सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, ये दिख रहे होंगे शायद आपको, ये सारे दाग लग जाते हैं कपड़ों पे यार। अब मैं सोचा था कुर्ता पजामा पहनूंगा मस्त लगेगा, अब यार बदलने पड़ेंगे कपड़े, लेकिन एक कुर्ता पजामा और बड़ा है लेकिन वो ब्लैक कलर का है, वो पता नहीं मेरे पे अच्छा लगेगा या नहीं, बाकी देखते हैं वो पहनते हैं। फिर उसके बाद आपको गली के हमारे देसी रावण दिखाऊंगा, गली के रावण हैं, 3 या 2 रावण बनाए हैं एक हमारे साथ वाले लड़के ने। बाकी मैं भी बनाता हूँ रावण, लेकिन पिछली बारी मैंने बनाया था तो फिर यहाँ पे गली में किसी की डेथ हो गई थी, तो फिर वो रावण मेरा ऐसे पड़ा रह गया, उसमें से मैंने बम बम निकाल लिए थे सारा कुछ। तो इस बारी थोड़ी घर की दिक्कत थी, डेथ वगैरह नहीं हुई किसी की, कहीं आप सोच रहे हो, बाकी वैसे कुछ दिक्कत थी तो इसलिए मैंने इस बारी इसलिए नहीं बनाया, और अगली बारी देखेंगे। बाकी दिवाली भी आने वाली है, दिवाली भी सेलिब्रेट करेंगे मस्त तरीके से। तो अभी मैं पहले भाई कपड़े चेंज कर लूँ। भाई एक कुर्ता और मिल गया है देखो, वाइट वाला, तो शायद मैं इसको डाल लूँ, शायद नहीं पक्का इसी को डाल लेता हूँ, क्योंकि वाइट डाल रखा तो वाइट में सही लगेगा। तो अब देखना आप, मैजिक सीधा मैं डाल लूँगा, ये मैंने डाल लिया है कुर्ता पजामा, बस अब बाजू फोल्ड कर लेते हैं थोड़ी सी, थोड़ी बाजू फोल्ड करके ना अच्छा लगता है, और वैसे भी ये थोड़े मेरे को छोटे हो रहे हैं तो फिर ये बाजू छोटी छोटी लगती है, तो इसलिए फिर मैं फोल्ड ही कर लेता हूँ, और फोल्ड करके भी सही लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं आपको ब्लैक भी दिखाता हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है, बहुत देर लगी, ये देखो ये रे ब्लैक ब्लैक वाला कुर्ता पजामा, तो उसको रख देता हूँ संभाल के। तो अब आपको दिखाते हैं देसी रावण, चलो। तो गाइज मैंने पूछ लिया है, वो रावण दिखा रहा है अभी, तो वो आ गया घर पे, तो देख के आते हैं कैसे बने हैं, लाइट बंद करते हैं चलते हैं फिर, तो कुंडी भी लगा देते हैं घर पे क्योंकि कोई भी नहीं है ना, तो कुंडी लगाना जरूरी है, बाकी ताले की तो जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे ही गली में ही हूँ। तो देख के आते हैं कैसे बनाया रावण, तो मैं चलता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो गाइस मैं आ चुका हूँ छत पे, और आपको अब दिखाने वाला हूँ मैं रावण। तो ये देखो एक ये छोटा रावण हमारा, शायद आपको दिख रहा होगा, अभी धूप है तो इसलिए मुझे भी दिख नहीं रहा खास खास, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इसकी अभी ड्राइंग चल रही है, थोड़ी आंखें वगैरह बन रही हैं इसकी। तो ये रहा एक, ये हमारा रावण है, और ये हमारा कुंभकर्ण है, और ये हमारा मेघनाथ है। तो देखते हैं कैसे बना रहे हैं आंखें। तो अभी तो ये हाथ पे कुछ ड्राइंग चल रही है, तो इन ये दो बच्चों ने मिलके बनाया, ये दो और ये एक ये रहा। हेलो गाइस, तो एक दो जने और हैं इनके साथ में, उन्होंने मिलके बनाया, तो सही है इनके हिसाब से। तो ये देखो हाथ पे कितने सारे बम लगे हुए हैं इसके भी, अभी इनके भी हाथों पे बम लगाने हैं अभी इसके, इस पे तलवार पे भी लगेंगे, और इस पे देखो इसकी इस, ये बहुत फनी है, इसकी नाक भी बम से बनी है, आंख भी, और इसका मुंह भी, बस मूछें बनी है पेन से, बाकी तो बहुत बढ़िया बना हुआ है, बच्चों ने मिलके बनाया, सही बना है बहुत। अभी इसकी आंखें तैयार हो जाएं फिर दिखाता हूँ मैं आपको, बाकी शाम को दिखाएंगे जलता हुआ, तो पहले तैयार हो ले इसकी आंखें वगैरह फिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस अब हमने इस वाले रावण को भी पूरा कर लिया, थोड़ा बहुत मैंने करा है, थोड़ा बहुत मैंने बस ये आँख ही बनाई है, बाकी तो सारा इसी ने बनाया खुद ही, तो वह भी बन चुका है। और ये सबसे बढ़िया चीज़ लगी, एक तो इसके यहाँ पे नाक पे बुलेट है देख पा रहे होंगे, और एक मैंने ये वाला मैंने यहाँ पे सर पे लगा दिया इसके, बहुत बढ़िया लग रहा है ये भी। और ये देखो इसकी ये माला भी बनाई है पूरी, ये देखो उठ भी रही है, तो ये इसकी माला बनाई है बम्बों की, और साथ में ये देखो इसके हाथ पे भी लगाए हैं बहुत सारे बम, चक्रा बना के तलवार पे भी लगे हैं बहुत सारे, और हमारा ये वाला रावण भी तैयार है, इस पे हमने अंदर की तरफ लगा रखे हैं बम, बाहर की तरफ नहीं है, और ये इस पे नहीं लगाए क्योंकि ज़्यादा फिर अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा बम भी, फिर छोटा है रावण इसलिए। तो ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है, इस पे लिखा भी है कुंभकर्ण, और इस पे लिखा है ये मेघनाथ, ये वाला भी बढ़िया है, ये देखो इसकी नाक भी बम से बनी है, आँख भी बम से बनी है, और ये देखो टिक्का भी लगा हुआ है, और ये देखो मुँह बना हुआ है, सारा कुछ है, बहुत बढ़िया रावण बनाए हैं बच्चों ने मिलके। तो बस आपको भी बनाना चाहिए ऐसे ज़रूर, तो शाम को दिखाते हैं आपको जलता हुआ। अभी आप भी कितने देखो, धूप कितनी तेज़ हो रही है, हम सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे,
तो जरूर से लाइक करें वीडियो को। तो शाम को मिलते हैं, बाय बाय। हटो यार, जब पीछे हट जाए, एक बम बजेगा, हट जाओ। अब जल जाएगा वो। पापा आ जाओ। खत्म हो गया, और भी हैं। खत्म।